नमस्कार और एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। श्री श्री आनंद मूर्ति जी विजन पेज से जुड़े हुए सभी मार्गी बंधुओं को, साथियों को, साधकों को मेरा नमस्कार। आनंद सूत्रम की चर्चा को जारी रखते हुए आज 8, 9, 10, 11 या 8, 9, 10 इस नंबर के सूत्र पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। हालांकि ये सभी सूत्र थोड़े थोड़े तरीके से संचर और प्रतिसंचर क्रिया में डिस्कस हो ही गए थे, लेकिन चूंकि गुरुदेव ने ब्रह्मचक्र के इस अध्याय में, इस चैप्टर में एक एक पॉइंट पर एक विशेष विशेष सूत्र बनाया है, तो ये जरूरी हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा पुनः प्रकाश सब पे डाला जाए। हमने आखिरी बात की थी दृक् पुरुष दर्शनम शक्तिश्च, ये सातवां सूत्र था, सातवां सूत्र है, और आठवां सूत्र है गुण बंधनेन गुणाभिव्यक्ति। गुणों का बंधन जैसे जैसे दृढ़ होता जाता है वैसे वैसे गुणों की अभिव्यक्ति पंच महाभूत में होती जाती है। और इसके बाद नवां सूत्र है गुणाधिक्ये जड़ स्फोट भूत साम्या भवात, गुणों के अधिक प्रभाव से जड़ स्फोट होता है। ये जड़ स्फोट की थोड़ी बातचीत हम पहले कर चुके हैं और भूत में यानी मैटर में इम्बैलेंस होने से, प्रेशर होने से ये जड़ स्फोट का स्टेज आ जाता है, इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। और दसवां सूत्र है गुण प्रभावेन भूत संघर्षाद बलम, भूतों में यानी मैटर में इंटर एटॉमिक और इंटर स्पेस की कमी होने से, एक फ्रिक्शन होने से, बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव इन दोनों के होने से अंदर उस ऑब्जेक्ट में एक बल का संचार होना शुरू होता है, तो भूत संघर्षाद बलम। तो ये बल जिसे हम साइंस में फोर्स कहते हैं या एनर्जी कहते हैं, यहां से ये क्रिएट होना शुरू होता है डिफरेंट फॉर्म में। तो यहां ये जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं कि यही यहां से सूत्र नंबर 8 से लेकर 20वें नंबर सूत्र तक जो एक एक फेज पर संचर और प्रतिसंचर क्रिया के एक एक अवस्था पर जो सूत्र बनाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक साइंस के साथ तालमेल मिलाते हुए ये सूत्र बने हैं और जो भी साइंटिफिक टेम्परमेंट के आदमी होंगे और साइंस की रिसर्च में आगे काम कर रहे हैं या साइंस स्टडी भी कर रहे हैं उन्हें इसके साथ एक तालमेल मिलता हुआ दिखाई देगा। और ये आज तक, पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये दर्शन के जगत में इस तरह का काम पहले कभी नहीं हुआ है। तो हमने मटेरियल साइंस को इंट्यूटिव साइंस से, गुरुदेव स्पिरिचुअल साइंस को इंट्यूटिव साइंस भी कहते हैं, हमने मटेरियल साइंस को इंट्यूटिव साइंस से बहुत दूर रखा है, जबकि दोनों में एक तालमेल है, दोनों में एक लिंक है। ये जो आंख से दिखने वाला संसार है इसका लिंक उस सत्ता से है जहां से ये सृष्टि शुरू हुई है, हम उसको भूल नहीं सकते। पिछली बार भी मैंने ये कहा था कि शिव लगातार मौजूद हैं, जब उनके ऊपर शक्ति का प्रभाव तीन गुणों से पड़ता है तो जो भी क्रिएट होता है उसके अंदर शिव तो मौजूद है ही, शिव कहीं हटते नहीं, शिव कहीं निकल नहीं जाते, बस ये है कि शिव के ऊपर गुणों का प्रभाव ज्यादा होता जाता है। तो जैसे ही अगर हम इसको बहुत साधारण मिसाल से समझे, मान लीजिए कल्पना करें एक ऐसे अवस्था की कि किसी सुंदर बाग में एक बहुत ही सुंदर सा झरना बह रहा है, इसको हम चेतना का प्रकाश मान लें, लेकिन इसके इर्द गिर्द कुछ मिट्टी की दीवारें हैं, फिर उसके ऊपर और बड़ी बड़ी दीवारें हैं, चट्टाने हैं, लोहे की चट्टाने हैं या नेचुरल चट्टाने हैं, और वो कवर्ड है, वो झरने की धारा पूरी तरह से कवर्ड है मिट्टी से, बालू से और एक तरह से पहाड़ से। लेकिन हम जब पहाड़ को टच करते हैं या उसके नजदीक आते हैं तो हमें झरने की ठंडक, झरने की कुछ आवाज भी आती है, और फिर अगर कोई व्यक्ति उसकी खोज में चला जाए भीतर 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 तो वो उसको अनफोल्ड करते हुए ये पाएगा कि एक झरने की बड़ी ही सुंदर धारा बह रही है। तो ठीक ऐसे ही हमारे भीतर या हर कण के अंदर ईश्वर या शिव तत्व, पुरुष तत्व मौजूद है, वो एक झरने की धारा में प्रकाश के रूप में, चेतना के प्रकाश के रूप में अंदर है,
बस उसे जानने की देर है। वो मिट्टी को, बालू को, पहाड़ को, चट्टानों को, वो गुण जो अपना प्रभाव डाल के स्थूल किए गए, स्थूल से स्थूलतर रूप लेते गए, उन स्थूलतम अवस्थाओं को थोड़ा पीछे हटाते हुए जब हम स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि भीतर चेतना का महाप्रकाश है, चेतना की आनंदमय धारा अविरल बह रही है जो शिव है। तो आठवां सूत्र गुण बंधनेन गुणाभिव्यक्ति, यही गुण जो, अगर इसी मिसाल को समझते हुए हम स्टडी करें कि यही गुण जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति के जो तीन गुण है वो लगातार अपना काम कर रहे हैं, सृष्टि हो रही है, सृष्टि हो रही है, इन्हीं तीन गुणों से हो रही है। और जब भी कोई अवस्था की चेंज आती है उसमें इन तीनों में से सत्व, रजस और तमस में से तमस का रोल ज्यादा हो जाता है, तमस का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तभी वो पिछले फॉर्म से नए फॉर्म में आ जाता है। जैसे कॉस्मिक चित्त से हमने पाया पंच महाभूत का पहला तत्व आकाश तत्व, तो कॉस्मिक चित्त आया कॉस्मिक अहम से और वो आया कॉस्मिक महत से, तो लगातार सत्व रजस तमस की जो प्रेशराइजिंग वर्क है वो चल रहा है, लेकिन जो अल्टीमेट चेंज आया वो चित्त से आया, कॉस्मिक चित्त से आया। वो अवस्था और आकाश, इन दोनों में भेद है, इन दोनों में फॉर्म का भी एक डिफरेंस है। तो कॉस्मिक चित्त से पहला पंचभूत आया आकाश तत्व, और आकाश तत्व के ऊपर भी लगातार त्रिगुणात्मक प्रकृति अपना काम कर रही है, और उस पर भी तमोगुण के प्रभाव से अगला तत्व आया वायु, उसी तरह फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी तत्व। यहां तक आते आते गुणों की अभिव्यक्ति एक तरह से पूरी हो जाती है। स्थूल से स्थूलतम अवस्था पृथ्वी तत्व है, और यहां पे गुणों के बंधन से उसने, देखिए गुणों के बंधन से उसने असल में शिव को बांधा है। जहां शिव को बंधन में लाया गया है और वो धीरे 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 बंधते 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 यहां तक आए हैं पृथ्वी तत्व तक, और त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ ही आए हैं, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति नहीं बांधा है। तो ऐसे करके हम ये पाते हैं कि बंधन की शक्ति दृढ़ होते होते, दृढ़ होने से स्थूल से सूक्ष्म से हम स्थूल की ओर चले, और अल्टीमेट अवस्था हमारे सामने पृथ्वी तत्व सॉलिड फैक्टर आ जाता है। ये इतनी सी बात हम इस सूत्र से समझते हैं, गुण बंधनेन गुणाभिव्यक्ति। और उसमें ये बात समझने लायक है कि चूंकि आकाश तत्व हो या वायु तत्व हो या अग्नि तत्व हो, आकाश तत्व को अगर हम ये माने कि उसके पास 100 डिग्री है, किसी भी मेजरमेंट के दायरे में ले आए कि उसके पास 100 डिग्री है, और चूंकि आकाश के अंदर तन्मात्र भी है, ऐसे करके एक और कॉन्सेप्ट एलिमेंट सामने आता है कि आकाश तत्व की विशेषता क्या है। आकाश तत्व इससे पहले जो अवस्थाएं हैं उसमें साउंड को वो कैरी करता है, साउंड की खूबी आकाश तत्व से होती है, और स्पेस का जो फैलाव है, स्पेस की जो विराटता है, वो भी आकाश तत्व से ही सिद्ध होती है। फिर जब वायु तत्व में आते हैं तो नया तन्मात्र जुड़ जाता है, नया एक आइडिया जुड़ जाता है या नया गुण जुड़ जाता है, जिसे हम स्पर्श कहते हैं। वायु के माध्यम से ही हम स्पर्श को अनुभव करते हैं, लेकिन जब वायु तत्व सामने आता है तो उसके पास साउंड को कैरी करने की भी क्षमता है और स्पर्श को कैरी करने की भी क्षमता है, लेकिन टोटल डिग्री उसका 100 ही रहेगा। ऐसे करके ये बात भी समझने लायक है कि टोटल अमाउंट जो है, नेट रिजल्टेंट जो अगर हम प्रकृति का मानते हैं, तो तन्मात्राओं का माने, गुणों का माने, तो वो एक ही रहेगा, उसमें इंप्रूवमेंट या इंक्रीज नहीं होगा। जैसे 100 डिग्री आकाश में है तो वायु तत्व 100 डिग्री में साउंड और स्पर्श को ले रहा है, और उसी तरह अग्नि तत्व साउंड स्पर्श को थोड़ा लेते हुए रूप को दिखाता है, रूप अग्नि तत्व से सिद्ध होता है, और टेस्ट जो है वो जल तत्व से आता है, और गंध पृथ्वी तत्व से आता है। तो पृथ्वी तत्व में फिर पांचों मौजूद हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और अपना अस्तित्व पृथ्वी का भी यानी सॉलिड फैक्टर का भी रहता है। तो इस तरह से हम इंट्यूशनल साइंस में यूं समझते हैं कि अल्टीमेट एलिमेंट्स पंच महाभूत और उसके तन्मात्र,
या वो जो गुण कैरी कर रहे हैं यहां तक सृष्टि आ जाती है, यहीं से सृष्टि अपना अभिव्यक्ति का कार्य शुरू करती है, यहीं से फिर जीवन भी शुरू होता है। और जीवन कैसे शुरू होता है इसके लिए अगला सूत्र मेंशन्ड है, अगले सूत्र में वो चर्चा है। गुणाधिक्ये जड़ स्फुट भूत साम्या भवात्। यही गुण, यही जो थ्री फोर्सेस हैं, यही गुण का प्रेशर जब धीरे धीरे और बढ़ता है, क्योंकि वो प्रेशर का काम चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि सृष्टि आगे बढ़ेगी और सृष्टि का काम चलता रहेगा और आज भी सृष्टि कर ही रही है काम। ये अजस्र प्लैनेट और अजस्र मिल्की वेज जो बन रहे हैं वो इसी त्रिगुणात्मक प्रकृति के कारण ही बन रहे हैं, उसका कार्य कहीं रुका नहीं है। एक धारा में वो रुक जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा सा मृत्यु की तरफ चला जाएगा, या जिसे हम थर्मल डेथ कहते हैं, वो थर्मल डेथ के रूप में वो समाप्त हो सकता है, ऐसा होता है, लेकिन उसमें भी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो गुणाधिक्य, गुणों की अधिकता के कारण जड़ स्फोट हो जाता है। ये जड़ स्फोट, इसको हम पैरेलल मान सकते हैं जो मॉडर्न साइंस बिग बैंग थ्योरी से अपनी सृष्टि की कथा कहती है, या क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। तो और अभी भी उस थ्योरी को माना जाता है, लेकिन वो थ्योरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी बहुत कुछ है। जैसे हम समझ रहे हैं ब्रह्मचक्र में, हम बहुत कुछ देख रहे हैं कि उससे पहले भी बहुत कुछ है। तो गुणों की अधिकता के कारण, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की कमी होने के कारण, अंदर का फ्रिक्शन बढ़ जाता है, बाहर से दबाव पड़ ही रहा है त्रिगुणात्मक प्रकृति का, और अंतिम दबाव जो तमोगुण का है वो पड़ने से जड़ स्फोट हो जाता है। ये जड़ स्फोट जो है वो एक तरह से ब्रेकिंग ऑफ दैट एंटिटी गेट्स ब्रोकन अप, और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो वापस पुराने एलिमेंट में मिलना शुरू होते हैं। फर्स्ट स्टेज में वो विपरीत संचर प्रोसेस से गुजरेगी, लेकिन मेन संचर की क्रिया अपनी चलती रहेगी जब तक अगला सूत्र जो कह रहा है गुण प्रभावेन भूत संघर्षात बलम, ये अवस्था आती है। तो ये जो मैटर में संघर्ष हो रहा है, ये जो मैटर में एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये अगली अवस्था है, और ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ प्रकृति। यहां से बल की शुरुआत होती है, गुण प्रभावेन भूत संघर्षाद बलम। ये जो भूत का मतलब मैटर के भीतर पृथ्वी तत्व मैटर है, आंख से दिखने वाली सत्ता है, महसूस करने वाली सत्ता है, उसके भीतर ही जो इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन से जो भी क्रिएट होता है उसे हम बल कहते हैं। तो ये तीन सूत्रों को आज हम इसी दायरे तक सीमित रखते हैं, और हालांकि थोड़ी थोड़ी बातचीत पहले भी की गई थी, लेकिन ये जरूरी है कि हम इन तीनों को अलग अलग सूत्रों की तरह समझते हुए ये अंडरस्टैंड करें कि सृष्टि धारा में क्या क्या अवस्थाएं आती हैं। ये समझना जरूरी है कि हर अवस्था का अपना एक वैल्यू है, हर अवस्था की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। मॉडर्न साइंस यहां से शुरू होता है जहां से बिग बैंग शुरू होता है, और उसके बाद उसकी अपनी धारणाएं हैं, किंतु इंट्यूशनल वर्ल्ड में दृष्टि कुछ और है। वैसे एक ख्याल आ रहा है, वो ये है कि पिछले 100 सालों में ये काम श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा हुआ है, आनंद सूत्रम में इस तरह से सृष्टि की एक व्याख्या जिसमें हम साइंटिफिक टेम्परमेंट को रखते हैं, उसी तरह से जॉर्ज गुरजेफ एक रशियन सेंट हुए हैं, और उनके डिसाइपल पीडी उस्पेंस्की, वो बड़े फेमस मैथमेटिशियन और स्कॉलर थे, उन्हीं की एक किताब है इन सर्च ऑफ मिराक्यूलस। मैं ऐसे ही शेयर कर रहा हूं ये बात कि उस पुस्तक में भी मुझे ये पढ़ने को मिला कि कैसे कॉस्मॉस की क्रिएशन एब्सोल्यूट एंटिटी से अर्थ एलिमेंट तक हुई, उसको वो रे ऑफ क्रिएशन कहते हैं, कि ये क्रिएशन की एक धारा है, और तीन फोर्सेस की चर्चा वो भी करते हैं, और वो उसको डिफरेंट ढंग से कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज द लॉ ऑफ द थ्री। नाउ दिस लॉ ऑफ थ्री इज वेरी अमेजिंग लॉ,
मेरा बार बार इस पे जोर होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अध्यात्म के जगत में थोड़ी भी उन्नति करनी है या अपनी यात्रा शुरू करनी है तो उसे ये लॉ ऑफ थ्री का एप्लीकेशन कॉस्मोस में तो वो स्टडी करेगा थ्रू बुक्स एंड थ्रू लेक्चर्स एंड थ्रू शेयरिंग नोट्स विद अदर्स, बट अपने जीवन में उसे इस लॉ ऑफ थ्री को अप्लाई होते हुए देखना होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ थ्री ही है जो सब कुछ करा रहा है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये तीन गुण ही हैं जो सब कुछ करा रहे हैं। आप बाद में इसके जो दूसरे पहलू हैं उस पर उसको नए नाम दे दें, उसको डिफरेंट नाम दे दें, लेकिन मूलतः यही है। इन्हीं तीन गुणों के कंटिन्यूअस एक्टिविटी से, कंटिन्यूअस एक्शन से हम सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसको हम देख पाते हैं, उसको हम महसूस कर पाते हैं और उससे हमारे जीवन में भी उसका प्रभाव चलता रहता है। तो गुरुजीएफ की बात कर रहा था, गुरुजीएफ ने भी एक अद्भुत काम किया है, क्योंकि लाइफ के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं साइंस के जरिए कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये माने गए हैं, तो इन्हीं चार को लेकर उसने पूरा एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया है, विच इज वेरी वंडरफुल। जो लोग साइंस का स्टडी करते हैं उन्हें उस पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना होगा कि एब्सोल्यूट एंटिटी में कौन से फोर्सेस हैं, और जब धीरे 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 सृष्टि यहां तक आती है पृथ्वी तक, उसके बाद फिर चांद तक भी जाती है, अगली धारा उसकी चांद की धारा है, इसको वो कहते हैं, और इन्हीं त्रिगुणात्मक प्रकृति से कैसे लॉज बनते जाते हैं और हमारे ऊपर, हमारे यहां आते आते पृथ्वी तत्व तक आते आते 48 लॉज निर्माण हो जाते हैं। अब उसकी ये 48 लॉज की जो थ्योरी है वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम पृथ्वी में मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं कि 50 वृत्तियों की बात है, उसमें एक वृत्ति परा शक्ति जो है वो स्ट्रेट अवे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और बाकी 49 हमारे भीतर है और वो अलग अलग चक्रों में अलग अलग तरह से मौजूद है, और इस तरह से हमारे ऊपर इन 49 का प्रभाव है, हम इन 49 के वशीभूत हैं, और वो 48 लॉज तक ले आया अपनी डिफरेंट स्टडी से, विच इज वेरी सिमिलर एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर हमें उस दिव्य जगत शिव तक पहुंचना है, अब यहां साधना की बात आती है, तो हमें इन 48 लॉज को, इन 49 वृत्तीस को, श्री श्री आनंद मूर्ति जी की भाषा में वो वृत्तियां हैं, प्रोपेंसिटीज है, मूलाधार में 4, स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्ध में 16 और आज्ञा में 2, इन्हीं वृत्तियों की वजह से जो है हम हैं, तो ये भी गुणों के प्रभाव से ही है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो भी पृथ्वी पर रहेगा उसे इन 49 प्रोपेंसिटीज से जूझना पड़ेगा। ये भी गुणा भी व्यक्ति के दायरे में ही आता है, हमें गुणों की अभिव्यक्ति को इस तरह से भी समझना होगा कि जब हम व्यक्ति के रूप में आते हैं तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, हम क्यों नहीं जंप मारते और पक्षी की तरह उड़ पाते। तो इन्हीं लॉज की वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर पाते हैं। तो साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे इन्हीं प्रेशर्स से, प्रकृति के इन्हीं गुणों से फ्री होना है, मुक्त होना है या उसके ऊपर आना है। तो कितना बड़ा टास्क है ये भी हमें सोचना होगा, समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं साधना और हम जिस साधना में आगे बढ़ रहे हैं वो उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य कितना बड़ा है और उसमें स्ट्रगल कितनी है। हम पुरुष को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम शिव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शिव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति ने इतने सारे बंधन से हमें बांधा है कि हम साधारण तरीके से तो कर ही नहीं सकते कुछ। और जो असाधारण तरीका है वो साधना मार्ग का तरीका है, और उसमें भी गुरु की कृपा, गुरु का ग्रेस रहता है तभी कुछ संभव हो पाता है। इसीलिए बार बार ये आता है कि गुरु कृपा ही केवलम, बार बार यही बात आती है कि वो गुरु जो खुद लिबरेटेड है, वो गुरु जो बेशक पंचभूत के दायरे में है लेकिन अंदर से वो लिबरेटेड है, और वो इन तमाम लॉज, इन तमाम वृत्तियां, इन तमाम प्रोपेंसिटीज से ऊपर है। इसीलिए उन गुरु को पकड़कर ही साधना मार्ग में आगे बढ़ा जाता है और धीरे धीरे अपने आप को फ्री किया जाता है। इसका अगर एक चित्र भी बना लें कि हम जो फ्री आत्मन हैं, हमारा जो जीवात्मा जो एक फ्री बर्ड के जैसा है, उसके ऊपर कितने लेयर दर लेयर दर लेयर प्रकृति के गुणों के चढ़े हुए हैं,
एक और मिसाल अक्सर दी जाती है कि हमारा जो मनुष्य शरीर है वो एक 7-storied बिल्डिंग के जैसा है, 7-manzila मकान है, और अधिकतर जीवन ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में ही बीत जाता है। तो ये जो 7 manzil है ये दरअसल 7 chakra की बात है, या 7 lok की बात भी कह सकते हैं, जिसमें कॉस्मिक लेयर्स या 7 cosmos की जो बात है, भू भुवस्व मह जन तप सत्य। सत्यलोक में ही तो शिव है, सत्यलोक ही आधार है पूरी सृष्टि का, ब्रह्मलोक भी उसे कहते हैं। तो उसमें पहुंचने के लिए कितना संघर्ष और कितना स्ट्रगल है। तो मैं ये भी देखता हूं कि ये इतने सारे एक एक सूत्र के जरिए क्यों गुरुदेव ने रिपीट की है कुछ चीजें, ताकि मनुष्य ठीक से उसको समझे और उस बंधन को समझे। ये बंधन को समझना, ये बंधन से परिचित होना ये जरूरी है, नहीं तो हम अधिकतर लोग खाम ख्याली में जीते हैं, झूठे सपनों में जीते हैं, और अपने आप को देवलोक में जो पहुंचाने की बात है उस पर तरह तरह की कल्पनाएं पहले भी सुनाई गई है पंडितों ने, खासकर जब विप्र एज था तब उन्होंने जिस तरह से किस्से कहानियों के जरिए लोगों को गुमराह किया, वो भी हमारे सामने एक मिसाल है कि मरते हुए आदमी को गाय की पूंछ पकड़ा दो तो उसे मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, वह तरणी पार हो जाएगी। तो इस तरह के भ्रमित जाल जो समाज में फैले थे उन सब को गुरुदेव ने अपने इस दर्शन से, अपने धर्म की पद्धति से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ये डिस्ट्रॉय होना ही चाहिए। पुरानी धारणाएं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, तभी नया निर्माण होता है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, एक चर्चित लाइन है कविता की, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो प्रलय की निस्तब्धता से ही सृष्टि का नया गीत शुरू होता है, और डिस्ट्रक्शन में क्रिएशन के बीज छिपे हैं। प्रकृति के 3 गुणों में तमस है जो डिस्ट्रॉय करने में लीड लेती है, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स का काम करती है, और जो भी एक्सप्लॉयटेटिव है उसका डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है। तो यहां मैं ये बात अपने साथियों से और स्वयं से भी कहना चाहता हूं, खुद भी कोशिश करता हूं कि हमारा ये फर्ज है कि हम दर्शन की इन गूढ़ बातों को जन जन तक पहुंचाएं और उन्हें समझाएं कि असल में धर्म क्या है और दर्शन क्या है। तो आज की इन 3 सूत्रों से हमने गुणों की जो अधिकता है, गुण का जो प्रभाव है, और गुण जो लगातार उसी पुरुष पे अपना दबाव डाले जा रहा है तो वो कैसे नए नए फॉर्म लेता है, अल्टीमेटली 5 महाभूत में आता है, फिर जड़ स्फोट से एक बड़ा विस्फोट होता है, और फिर बल क्रिएट होता है, और इसके बाद जो अगला सूत्र है उसमें इस बल की भी चर्चा है और प्राण की चर्चा है, तो वो अगली बार करेंगे। मेरे विचार से आज के लिए इतना काफी है, चूंकि ये दर्शन के सूत्र थोड़े से गूढ़ हैं और थोड़े थोड़े ही एक वीडियो में जाएं तो ज्यादा अच्छा है, वो इम्बाइब भी जल्दी हो जाएगा और उसकी रिसेप्टिविटी भी अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, यहां पर विराम देता हूं, और आप सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार।